एंजॉय कीजिए और आपके भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस। आखिर कब तक मैं उसे ऐसे ही छुप छुप कर देखता रहूँगा? आज तो मैं उसे अपने दिल की बात कह के रहूँगा। हाँ, मैं अभी के अभी जाता हूँ और आज उसे अपने दिल की बात बता ही देता हूँ। अरे हाँ, वो रही, वहाँ खड़ी है वो। हाय मिस। हाय, पर तुम कौन हो? मेरा नाम मुकेश है। आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको जानता हूँ। मैं रोज आपको यहाँ देखता हूँ। हाँ ठीक है, पर ये बताओ कि तुम्हें काम क्या है और क्यों आए हो तुम यहाँ? देखिए मिस, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पर मैंने जब से आपको देखा है मैं आपको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। आई लव यू मिस। क्या समझ के क्या रखा है तूने मुझे? देसी गंवार कहीं का? चल भाग यहाँ से, बड़ा आई लव यू वाला। मिस, मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ। क्या समझ के क्या रखा है तूने मुझे? खूब जानते हो तुम जैसे देसी गंवारों को, लड़की देखा नहीं? दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो, क्योंकि जो मेरा बॉयफ्रेंड होगा ना, वो बड़ी सी कार में आएगा, तेरे जैसे रोड शार्प नहीं, पैदल चलते हुए। चल भाग, देसी गंवार कहीं का, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चल रूपाली, अंदर चल। हाँ, आ रही हूँ। आखिर ऐसा क्यों कर दिया इसने? मुझे ये उम्मीद नहीं था इससे। आज मेरा दिल तोड़ दिया, पर कोई नहीं। अरे वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा खेत, इतनी खूबसूरत हवा चल रही है यहाँ, आज तो मजा ही आ गया। अरे ये गाड़ी किसकी है और ये मेरे खेत पे आके क्यों रुक गई? पता नहीं कौन होगा। अरे ये क्या? अरे ओ देसी देहाती, इधर आ। हाँ आता हूँ। कहो क्या काम है, क्यों आई हो तुम यहाँ? हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, फिर अचानक हमें तू दिखा, तो देखने चले आए कि देसी देहाती आखिर खेत में काम कैसे करते हैं। अच्छा तो ये बात है, आप लोग यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो, है ना? ये तो समझदार भी है, कितने जल्दी समझ गया कि हम इसका मजाक उड़ाने आई हैं। हाँ रे, तो बात तो तूने एकदम सही कही, पर अब चलो अपन चलते हैं, इस देहाती के साथ अब मजा नहीं आ रहा। हाँ यार रूपाली, चल अपन चलते हैं, छोड़ इस देसी गंवार को। पता नहीं क्या सोचती हैं ये दोनों। यार रितु, उस देसी गंवार का मजाक उड़ा के सच में बहुत मजा आता है ना? हाँ यार रूपाली, मजा तो बहुत आता है, पर जो भी हो वो देसी गंवार दिखता बहुत स्मार्ट है। ए रितु, उधर देख क्या मस्त कार आ रही है यार। हाँ यार रूपाली, कार तो बहुत शानदार है, पर ये यहाँ क्यों रुक गया? हाँ रितु, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ हैंडसम, क्या काम है तुम्हें, यहाँ क्यों रुके हो तुम? हाय मिस, मेरा नाम करण है। दरअसल मुझे ब्राजील जाना था, पर मैं रास्ता थोड़ा भूल गया हूँ, क्या आप वहाँ जाने में मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगी? ओह तो ये बात है, चलिए ना, मैं ही आपको ब्राजील तक छोड़ देती हूँ, इसी बहाने आपसे थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा, चलिए फिर आप मेरे साथ। वैसे करण, आप बहुत हैंडसम है, आपको पहली नजरों में देखते ही आपसे प्यार हो गया है, क्या आप मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगे? क्या आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लोगे? अरे ये क्या, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ करण, आई लव यू, मैं सच कह रही हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, आई लव यू टू, मुझे भी आपका प्यार मंजूर है। अरे वाह, क्या आप सच कह रहे हैं करण? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, अब जल्दी चलो, मुझे ब्राजील जाना है, मुझे वहाँ बहुत जरूरी काम है। हाँ ठीक है करण, चलिए। करण ये कार भी काफी खूबसूरत है, बहुत अच्छी कार है सच में। थैंक यू रितु। थैंक यू रितु, मेरे काम में मेरा हेल्प करने के लिए, तुम नहीं होती तो भी मैं रास्ता खोजते रह जाता। अरे नहीं करण, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, बस कल सुबह तुम मुझसे मिलने मेरे घर आना, ठीक है ना? रितु मैं पक्का तो नहीं कह सकता, बट कोशिश पूरी करूंगा। नहीं करण, मैं कुछ नहीं जानती, तुम मुझसे मिलने का लंबन मिल आओगे, मतलब आओगे बस। अच्छा ठीक है, एक आइडिया है मेरे पास, मेरे बॉस का घर भी लंबन मिल के पीछे ही है, तो मैं उन्हें लेने आऊंगा, उससे पहले तुमसे मिल लूंगा, फिर उन्हें लेके चला जाऊंगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस तुम कल आ जाना। चलो यार, आज तो काफी पसीना बहा लिया मैंने, बहुत हो गया मॉर्निंग वॉक, अब घर चलता हूँ। अरे ओ देसी, इधर आ। अरे यार अब इसे क्या हो गया, ये फिर क्यों बुला रही है,
लगता है मजाक उड़ा के इसका मन भरता नहीं है, पर आज मैं इसकी सुनने वाला नहीं हूँ। हाँ बोलो, क्या हो गया, क्यों आज लगा रही थी मुझे? मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना, तो क्या कर रहा है तू यहाँ? चल भाग यहाँ से। देखो मिस, तुम इज्जत नहीं कर सकती ना, तो कम से कम बेइज्जती तो मत किया करो यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, थोड़ा तो कदर किया करो। हाँ यार मुकेश, बात तो ठीक कह रहा है, पर मैं तेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि तेरा मेरा स्टैंडर्ड अलग है यार। तू कहाँ और मैं कहाँ। पर यार मुकेश, तू भले ही देसी गंवार और भिखारी है, पर तू दिखता स्मार्ट है यार। क्या तुम उससे दोस्ती करेगा? नहीं, मैं तुमसे कैसे दोस्ती कर सकता हूँ, क्योंकि एक बात तो तुमने एकदम सही कही है कि तुम्हारा और मेरा स्टैंडर्ड अलग है। तुम कहाँ और मैं कहाँ। क्या मतलब क्या है तेरा? वो देख मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, कार देख उसकी, तू तो जिंदगी भर में भी ऐसी कार नहीं खरीद पाएगा, भिखारी कहीं के। ओ अच्छा, तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ यही है। क्यों, देख के जल रही है ना तुम्हारी? ओ तो ये बात है, एक सेकंड रुको जरा। करण इधर आओ। करण जरा इस मोहतरमा को बताइए तो कि मैं कौन हूँ और ये कार किसकी है। रितु, ये मेरे बॉस है और ये कार भी इन्हीं की है। करण, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये नहीं हो सकता। नहीं रितु, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब इन्हीं का है, ये मेरे बॉस है। उम्मीद है मोहतरमा कि ये वाला जोरों का झटका आपको जोरों से ही लगा होगा। नहीं, आखिर ये हो कैसे सकता है? अब तुम इसे इत्तेफाक समझो या वक्त की मार, पर सच्चाई तो यही है मोहतरमा कि उस दिन मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए निकला था घर से अपनी कार में, पर रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। मैंने करण को बुलाया, कार बनाने के लिए कहा, पर कार बनी नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं पैदल ही चला जाऊं। और मुझे पैदल आया हुआ देखकर आपने तो मुझे भिखारी ही समझ लिया, गरीब समझ लिया, मेरा बहुत मजाक उड़ाया है ना। उसके अगले दिन करण सुबह से खेत में काम कर रहा था, तो मैंने उससे कहा कि जाओ तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं काम कर देता हूँ। कुत्ते पे तुम पहुँच गई और तुमने फिर से मुझे खेत में काम करने वाला गरीब समझ लिया, तुमने फिर से मेरा मजाक उड़ाया, मेरा इंसल्ट किया और चले गई। उसके थोड़ी देर बाद मुझे ब्राज़ीला में एक काम आ गया, पर मैं बिजी होने के कारण ब्राज़ीला जा नहीं पाया, तो मैंने करण को भेज दिया। पर करण के पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपनी कार दे दी, और तुम उस कार को देख के करण के ऊपर फिदा हो गई। सिर्फ इस कार को देख के तुमने करण को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और मुझे ठुकरा दिया, क्योंकि मैं तो पैदल चल के आया था ना, है ना। लेकिन मोहतरमा, एक बात तो मैं एकदम पक्का कह सकता हूँ कि आप प्यार के लायक लड़की हो ही नहीं, आप सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाली लड़की हो। और मोहतरमा, एक बहुत पुरानी कहावत भी है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, कभी भी कवर को देख के बुक का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, तो अपनी आदत सुधार लीजिए। मुकेश मुझे माफ कर दो, मुकेश मुझे बस एक मौका दे दो मुकेश। ओए रितु की बच्ची, अब तू निकल, पहली फुर्सत में निकल। चलो करण, मुझे ऑफिस के लेट हो रहा है, ऐसी दो गोड़ी की लड़कियों के लिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। चलो जी सर, ठीक है, चलते हैं। सो गाइस, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और गाइस प्लीज़ आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस।